तो गाइस यार अभी मैंने इस डीलर से बात कर ली है और मैं ये वाला घर खरीदने वाला हूँ। ये वाला घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला घर है। अब देख सकते हो भाई कितना ज्यादा बड़ा घर है। इसमें एक बास्केटबॉल कोर्ट भी है और यार हेलीकॉप्टर रखने के लिए जगह पे स्विमिंग पूल भी है और भी बहुत सारी चीजें। और ये घर बहुत ज्यादा बड़ा है और अपना पर्सनल बहुत ज्यादा बड़ा वाला गैराज भी है जहाँ पे हम 50+ कार्स रख सकते हैं। बस एक ही दिक्कत है कि हमारे पास इस घर को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वो आज हम जुगाड़ वाले शिनचैन को भी यहाँ से लेके चलते हैं। ये वाली गाड़ी हमारे पास है, मैं सोचा था इसको बेच के घर ले लूं, पर मुझे पता चला ये गाड़ी तो सिर्फ $2,00,000 की है और मुझे इस घर को खरीदने के लिए मुझे $250 मिलियन चाहिए, मतलब $250 मिलियन। तो शिनचैन ने मुझे बताया यहाँ पे यार एक टावर बना है नया जहाँ पे एक बाबा रहते हैं, वो यार लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं। ये टावर इतना ज्यादा बड़ा है कि मेरी आंखें भी उसको देख नहीं पा रही। तो इस टावर पे भी हम जाने वाले सीधा ऊपर के ऊपर और यहाँ पे मस्ती लिफ्ट भी लगी हुई, तो फटाफट से चलते हैं बाबा के पास, देखते क्या वो हमारी मदद कर पाएंगे। और अभी हम ऊपर आ चुके हैं एक ही सेकंड में और ये बहुत ज्यादा ऊपर है, अभी हमें और ऊपर जाना है। और हम यहाँ पे भी आ चुके हैं। अरे भाई साहब ये क्या ही जगह बना रखी है। अरे ये रे बाबा। अरे बाबा मेरी बात सुनो, मैं बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हूँ, मुझे यार $250 मिलियन चाहिए यार, बहुत जरूरी काम है। बच्चे ऐसा क्या काम है जो $250 मिलियन चाहिए? अरे बहुत जरूरी काम है, आपको पता नहीं है मैं कितना ज्यादा गरीब हूँ, अरे प्लीज दे दो ना यार। बच्चे पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो फिर आप बाबा किस बात के हो? बच्चे मैं सॉल्यूशन देता हूँ, पैसे नहीं, एक काम कर, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक हाथी लेके आओ, फिर बताऊंगा। हाथी? हाथी कहाँ से लेके आऊं? नीचे गाड़ी पड़ी है, वो लेके जाओ और मेरे लिए हाथी लेके आओ। अरे मैं अपना काम करने गया था, ये तो अपना काम करा रहा है, हाथी मंगवा रहा है मेरे से। पर कोई बात नहीं, अगर हाथी मिला नहीं मिला मैं इसकी वाली गाड़ी लेके जरूर भाग जाऊंगा। ये गाड़ी आपको पता नहीं कौन सी वाली गाड़ी है, इसको बाहर लेके चलते। ये गाड़ी एक उड़ने वाली फ्लाइंग कार, ये देख सकते हो भाई ये कैसे उड़ती है, ये कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ये रोड पे भी चलती है और ये उड़ती भी है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो फटाफट से किसी हाथी को पकड़ के लाते हैं अपन, कहां मिलेगा मुझे पता नहीं। अरे हमें को पता है। तो गाइस यार यहाँ पे अभी ये दो हाथी चुपचाप इनके पास चलते हैं और इनको पकड़ते हैं, पर इनको पकड़ूंगा कैसे, एक काम करता हूँ इन पे ये लेजर मारता हूँ इस गाड़ी में दे रखी है शायद हाथी पकड़ने के लिए। ये एक को मैंने अभी बेहोश कर दिया, दूसरे वाले को भी बेहोश करते हैं। अबे खा ले, अबे कहाँ भागे जा रहे, इतनी तेज क्यों भाग रहे। और अभी इसको भी मैंने बेहोश कर दिया, फटाफट से इनको गाड़ी के ऊपर चढ़ाते हैं। अबे गाड़ी कैसे चल रही है मेरे को समझ नहीं आ रही, गाड़ी अभी भी उड़ पा रही है भाई, कितना ज्यादा भारी वजन आ गया। तो चलो फटाफट से इन दोनों हाथी को लेके चलते हैं बाबा के पास। बाबा जी हम आ रहे हैं। बच्चे अब तू टेंशन मत ले, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करवाऊंगा, ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम आइसक्रीम, जा धुआं सूंघ ले। धुआं सूंघ ले? ए कुछ नशा वशा तो नहीं है ना उसमें? जाता है कि मारू। अरे हाँ जा रहा हूँ, अबे सूंघ लिया, हाँ मजा आ रहा है। कुछ टेस्ट तो नहीं है इसमें? टेस्ट नहीं करना है, सूंघना है। अरे सूंघ लिया पर कुछ हो नहीं रहा। चल अब निकल यहाँ से। अबे ये क्या बात हुई, अरे ये क्या करा, अबे धुआं सूंघा के नीचे फेंक दिया। अरे हाथी वाले भैया कुछ आता है क्या, कोई पैराशूट की नीचे गिर गए हम यार। तो गाइस यार अभी यार कुछ तो हुआ नहीं उसने यार। और ये हाथी का कलर कैसे चेंज हो रहा है? अरे भाई क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं धुआं मैंने सूंघा नशे इसको हो रहे हैं। अरे गाइसर मुझे पता चल गया हमारे साथ क्या हुआ है। तो गाइसर उसने जो धुआं सूंघाया था ना वो मैंने सूंघा और ये हाथी अब सारी बातें मेरी मान रहा है। और ये हाथी को चमत्कारी आती है, ये किसी भी चीज को टच कर जाता है ना तो यार वो फ्री हो जाती है और वो अपनी हो जाती है, मतलब जैसे इसने अभी गाड़ी को टच किया तो ये गाड़ी मेरी हो चुकी है, मतलब इस गाड़ी को मैं यहाँ से लेके जा सकता हूँ फ्री में, मतलब ये हमेशा के लिए मेरी गाड़ी है। तो यार ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये गाड़ी ये हाथी यार सारी सारी बातें मानता है मेरी, और ये देखो अभी मेरे पीछे पीछे कैसे आ रहा है यार, ये तो बहुत ही मस्त है। तो अभी इस घर पे लगा हुआ है फॉर सेल का बोर्ड, मतलब यार ये घर बेचने के लिए है। तो अभी हमारा हाथी इसको छुएगा और ये घर हो जाएगा हमारा, फिर हम इसमें बहुत ही मजे करेंगे। और इसने ये छू लिया। और गाइस यार मैंने आपको ये घर क्यों लिया आपको दिखाता हूं। एक तो सामने माउंटेन व्यू, ऊपर से यहां पे इतना बड़ा स्विमिंग पूल जो कि मैं मेरे हाथी के साथ यहां पे यार एंजॉय करने वाले। तो गाइस यार आप देख सकते हो ये वाला नया का नया घर अभी हमने ले लिया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अरे हमारे हाथी ने हमें दिला दिया, वो बाबा ने तो बहुत ही इजी कर दिया मेरा। तो गाइस यार अभी हम यहां मजे करते हैं आपके साथ में खेलने वाला एक बहुत ही बढ़िया वाला गेम। अगर आप वो एक नूब तो आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे, पर आप वो एक प्रो तो आप लाइक सब्सक्राइब करोगे, पर आप वो एक हैकर गॉड सबसे खतरनाक प्लेयर तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सबका सब कर दो। तो फटाफट से मुझे बता दो आप क्या हो, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देना और वो सब कर भी देना। और अभी हम आ गए साइमन के पास, क्योंकि यार इसके पास आया गाड़ी का नया स्टॉक। एक सेकंड, ये यहां पे बैरियर क्यों लगाया इसने? अरे ये हाथी अंदर नहीं आ सकता, यहां पे अलाउड नहीं है।
अबे हाथी अंदर नहीं आएगा तो मैं गाड़ी कैसे खरीदूंगा। अरे क्या हाथी गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी देखो खरीदी ना, चल पैसे दे। अच्छा चल छोड़ मेरे को नीचे गाड़ी। तो गाइस मुझे गाड़ी तो जरूर चाहिए, हाथी को अंदर नहीं आने दे रहे, और अगर हाथी टच नहीं करेगा तो वो गाड़ी मुझे मिलेगी कैसे। तो पीछे वाले रास्ते से चुपचाप हम जाने वाले, हाथी मेरे साथ ही फटाफट से सारी की सारी गाड़ियां टच कर देते, चुपचाप उसको पता नहीं चलेगा। पीछे सारी की सारी गाड़ियां मैं टच कर देता हूँ, ये वाली भी करते, ये वाली भी करते। अरे इसने तो शोरूम में टच कर दिया, इसका मतलब शोरूम भी मेरा है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे ओए ये शोरूम मेरा है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे अरे वो तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अरे आज से मैं देखो जॉब से निकालता हूँ, चल निकल जाए ऐसे। अरे सर ऐसा मत करो सर, मैं क्या करूंगा सर, ऐसा मत करो। अच्छा चल ठीक है, फटाफट से सारे के सारे बैग हटा दे और ये जॉब रख ले। ओके सर, ओके सर। तो गाइस सर अब यार ये मैंने गाड़ी ले ली है वहां से, क्योंकि शोरूम तो अपना ही है, अब मैं जितनी चाहे गाड़ी ले सकता हूँ। और मैंने साइमन को बोल दिया, वो सारी की सारी गाड़ी हमारे नए नए घर पे डिलीवर कर देगा। और आपको तो पता ही है मैं कौन सा नया घर लेने वाला हूँ, उससे पहले यार मुझे और भी मस्त मस्त चीज लेनी, तो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस सर अब यार हाथी से मैंने टच करवा दिया ये बोट, तो यार ये तो बहुत ही खतरनाक है, हमें ये खतरनाक सी बोट मिल चुकी है और इसको हाथी बोल के मैं परेशान हो गया। गाइस सर फटाफट से कोई अच्छा सा नाम बता दो हमारे हाथी मेरे साथी के लिए, अभी हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। और यार अभी बोट में मजे कर रहे हैं फुल, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, तो फटाफट से इसके लिए कोई अच्छा सा नाम बता देना। और मैं जाने वाला हूं अभी समुंदर में जंप मारने, तो चलो भाई साहब क्या ही मजा आ रहा है यार। और अभी तो मुझे एक हेलीकॉप्टर भी लेना है, तो चलो यार फटाफट से हेलीकॉप्टर लेने चलते हैं। तो गाइस यार अभी फटाफट से हम गोल्डन हेलीकॉप्टर को हमने टच कर दिया हमारे हाथी मेरे साथी ने, नाम यार जरूर बता देना, अभी यार अजीब सा लग रहा है। तो गाइस यार अभी हमें मिल चुका है गोल्डन हेलीकॉप्टर, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमारे नया नए घर में यार ऊपर गोल्डन हेलीकॉप्टर खड़ा रखेंगे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने वाला है ये तो। ये देख सकते हो भाई क्या ही मजा आ रहा है, हाथी को मैं नहीं बिठा सकता इसलिए इसको वहां पे खड़ा कर रखा है, अभी इसको लेके चलते हैं यार, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये तो। अरे वेगी मैंने तो इस धुएं को सूंघ के मजे कर लिए, रुको मुझे भी इस धुएं को सूंघना पड़ेगा। अरे धुएं मेरे अंदर आ जाए, अरे आ जाए ना अंदर, अरे सारा का सारा धुआं खा जाऊंगा मैं। अरे चल निकल यहाँ से, अरे निकल यहाँ से, ये गाड़ी ऐसी मेरी है वेगी, मैं भी किसी को टच करते यार वो उसी गाड़ी हो जाती है। चलो फटाफट से इसके अंदर मैं बैठ जाता हूँ, ये गाड़ी मेरी हो गई। अरे ये मेरी हुई कि नहीं, अरे ये क्या, अरे ये गाड़ी तो गोल्ड में हो गई, अरे ये क्या लगता है मुझे खतरनाक पावर मिल गई। तो गाइस यार ये रहा हमारा नया नया घर जो कि यार हाथी ने टच कर दिया है, और ये घर हो चुका है हमारा, और बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला घर है। एक सेकंड अंदर शेर है क्या? अच्छा नहीं ब्लैंकेट है, मुझे लगा अंदर शेर बैठा है, वरना अभी हमको भागना पड़ता है यहाँ से, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला घर है। अब ये शिनचैन यहाँ पे क्या कर रहा है? अबे क्या हो गया, तेरे को क्या चाहिए? अरे वेकी मेरी बात तो सुनो, अरे वेकी मैं यार किसी भी चीज को टच करता हूँ तो वो गोल्ड में बन जाती है, मैंने वो धुएं को सूंघा। अबे क्या तूने भी उस धुएं को सूंघा? अबे मुझे तो कुछ नहीं हुआ पर मेरे हाथी को जरूर हो गया। अरे क्या वेकी मैं आपको पावर नहीं मिली क्या? अरे नहीं नहीं मुझे नहीं मिली है। अरे वेकी मैं रुको अभी सारी की सारी आपकी गाड़ियां गोल्ड में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपके साथ रहूंगा ठीक है ना। अच्छा चल ठीक है सारी की सारी गाड़ियां गोल्ड में कन्वर्ट कर दे और फिर तू हमारे साथ रह सकता है। तो गाइस यार अभी शिनचैन ने हमारी सारी की सारी गाड़ियां जो कि मैं साइमन से लेके आया था वो सारी की सारी गाड़ियां गोल्ड में कन्वर्ट कर दिए। तो मैं आपको अपना हाउस टूर भी देता हूँ, मैंने आपको ये घर दिखाया नहीं, तो अपना यार ऊपर हेलीकॉप्टर रखने की जगह है और यहाँ पे अपन खेलने का है बास्केटबॉल। शिनचैन और मैं अपने हाथी आज के आराम से बास्केटबॉल खेलेंगे। यहाँ पे अपना पहला बेडरूम, अभी आपको फटाफट से पूरा का पूरा घर दिखाने वाला हूँ मैं। तो टोटल यार 3 फ्लोर का ये घर, यहाँ से अभी अपन ऊपर चलते हैं। यहाँ पे पूल टेबल, एक और पूल टेबल, यहाँ पे इतने सारे सोफा लगे हुए, कम से कम 100-200 बंदे तो मैं आराम से यहाँ पे लाके फुल हम पार्टी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली। मेरे पास एक आइडिया है, मैं यार 500 के सब्सक्राइबर्स की पार्टी यहाँ पे रख सकता हूँ। तो गाइस फटाफट से अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, हम यहाँ पे रखने वाले अपने 500 के सब्सक्राइबर्स की पार्टी, बहुत ही कम सब्सक्राइबर बाकी, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और हमें 500 के पहुंचा दो। तो आज की वर्सी विद दाई, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।